और ब्राउज़र पे जाने के बाद हमें एक वेबसाइट का नेम है digitizeindia.gov.in। मैं ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहाँ से भी डायरेक्ट इस लिंक पे जा सकते हैं। हमें इस वेबसाइट पे जाना है दोस्तों, और इस वेबसाइट पे जाने के बाद हमें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है, और रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे नीचे रजिस्टर नाउ पे हम क्लिक करेंगे। अगर आप इस वेबसाइट के बारे में कुछ पढ़ना चाहते हैं कि किस तरह से ये काम करती है, तो आप यहाँ पे हाउ इट वर्क्स पे क्लिक करके आप जान सकते हैं। मैं आगे वीडियो में भी आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये काम करती है और किस तरह से आप पेमेंट ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन के बारे में। हम रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद आपके सामने ये एक फॉर्म आ जाएगा। हमें यहाँ पे अपना नेम डालना है, उसके बाद हमें यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है, और जेंडर सेलेक्ट करने के बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालनी है, और उसके बाद हमें अपना आधार कार्ड नंबर जो है आपके पास वो डालना है। ये इन्फॉर्मेशन डालने के बाद यहाँ पे वैलिडेट आधार कार्ड पे हमें क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि ये ऑप्शन नहीं आ रहा है एडिट करने का, लिखने का। जब यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे वैलिडेट आधार पे, तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको अपना यूज़र नेम सेलेक्ट करना है, फिर पासवर्ड, फिर वही पासवर्ड आपको रिपीट करना है। ये ध्यान रहे दोस्तों कि एक हमें कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, और एक न्यूमेरिक और एक स्पेशल वर्ड हमें अपने पासवर्ड में डालना है। फॉर एग्जाम्पल, आप एट द रेट डाल सकते हैं अपने पासवर्ड में। एक अगर आपका नाम है, फॉर एग्जाम्पल आप पासवर्ड डालना चाहते हैं इंडिया एट द रेट 666, ओके। देन फिर आपको आई बड़ा डालना है, फिर NDIA स्मॉल लेटर्स में। इस तरह से आप अपना पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे, नहीं तो ये पासवर्ड एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो उसके बाद दोस्तों ईमेल एड्रेस आप यहाँ पे डालेंगे अपना, और मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपके सामने यहाँ पे क्लिक का एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, तो उसके बाद ये OTP आपके नंबर पे सेंड कर देगा। और OTP सेंड करने के बाद फिर दोबारा से आपको यहाँ पे क्लिक करना है, वेरीफाई करना है उस OTP को। वो ऑटोमेटिकली वेरीफाई कर लेगा ये। उसके बाद यहाँ से हम चेक कर देंगे, चेक करने के बाद रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देंगे, और आप इस वेबसाइट के साथ और डिजिटल इंडिया के साथ रजिस्टर्ड हो जाएंगे। तो चलिए, मैं ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्टर्ड हूँ, तो मैं लॉगिन करके आपको दिखा देता हूँ। और उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे ऊपर आना है, और राइट साइड में यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन होगा, हमें साइन इन पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे हमें अपनी ईमेल आईडी डालनी है और पासवर्ड डाल देना है। चलो मैं यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डाल देता हूँ। और उसके बाद पासवर्ड, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं साइन इन हो चुका हूँ ये। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। मैंने यहाँ पे अभी कुछ भी काम नहीं किया है, इसलिए मेरा ब्लैंक दिखा रहा है। पर मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो इसके ऊपर वर्क करते हैं और हर मंथ पैसा कमाते हैं, तो इसलिए मैंने भी स्टार्ट किया है, और मुझे लगा कि आप लोगों को भी इस बारे में बताना चाहिए, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे ऊपर राइट साइड में वर्क स्पेस पे क्लिक कर देना है। और वर्क स्पेस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। मैंने यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट की हुई है। उसके बाद लोड वर्क स्पेस पे हमें क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे JPEG एक फोटोज जो होंगी, जो पिक्चर्स होंगी, वो आपके पास यहाँ पे आएंगी। यहाँ पे अभी मेरे पास नहीं आ रही है, क्योंकि ये मैंने अभी अभी ही आईडी बनाई है, तो ये वर्क नहीं आ रहा है यहाँ पे। पर
जब आप इस पे लॉगिन करेंगे, यहाँ पे आपको इमेज शो होगी और उस इमेज में देख के आपको यहाँ पे वो सेम टू सेम इसके अंदर टाइप करनी है और सबमिट कर देना है। और अगर वो आप नहीं पढ़ पा रहे हैं कि वो है क्या, तो नॉट रीडेबल पे आपको क्लिक करना है, और अगर कुछ भी नहीं आ रहा है तो ब्लैंक इमेज पे क्लिक कर देना है। इस तरह से आपको टास्क हर रोज मिलते रहेंगे। अब डेली उन जो इमेजेस होंगे उसके अंदर जो वर्ड्स होंगे उनको आपको यहाँ पे टाइप करना है और सबमिट कर देना है। और इसके आपको एक इमेज के अप्रोक्सीमेटली 2 पैसे के अराउंड आपको पेमेंट मिलेगी, मतलब रिवार्ड्स पॉइंट आपको मिलेंगे, और उनको आप चेक कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको यहाँ पे जाना है रिवॉर्ड्स पे, और इस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं। बट मैंने अभी यहाँ पे कोई काम नहीं किया है तो ये खाली दिखा रहा है मुझे। और उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, इसके साथ अपना जो बैंक अकाउंट है वो आपको लिंक करना पड़ेगा, और लिंक करने के बाद आपको आपके अकाउंट में ये पैसे मिलते रहेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, आप यहाँ पे जाएंगे माय अकाउंट, और उसके बाद बैंक प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी, और यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं, प्लीज लिंक योर बैंक अकाउंट विद आधार नंबर, इफ आधार इज ऑलरेडी लिंक्ड देन चेक स्टेटस। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, बस चेक स्टेटस पे क्लिक कर देना है, और आपके आधार कार्ड के साथ जो जो बैंक अकाउंट नंबर लिंक्ड होंगे वो सारे बैंक अकाउंट यहाँ पे शो होने लग जाएंगे। फिर उसके बाद आप अपने जो पेमेंट्स हैं वो पा सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में। दोस्तों इससे रिलेटेड भी मैं आगे वीडियो बनाने वाला हूँ कि किस तरह से हम अपनी पेमेंट ले सकते हैं डिजिटल इंडिया से, और भी बहुत सारे वे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप ऑनलाइन घर बैठ के कैसे पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए।